दोस्तों, आज मैं क्रिश सर से मिलने जा रहा हूँ। और दिन मैं क्रिश सर को वीडियोस में मूवियों में देखा करता था, पर आज मैं उनसे रियल लाइफ में मिलने जा रहा हूँ। मजा ही आ जाएगा। दोस्त जल्दी जल्दी चलते हैं। हे बच्चे, कहाँ पर जा रहे हो? अरे कहीं नहीं अंकल, मैं क्रिश सर से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ। उनसे मिलकर मैं बोलूँगा, क्रिश अंकल प्लीज मुझे भी अपने जैसा बना दो, मैं जा रहा हूँ। बच्चे तुम नहीं जा सकते, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे ये कौन सी जबरदस्ती है? मैंने तुमसे क्या कह दिया जो तुम मुझे जान से मारोगे? मैं नहीं रुकने वाला तुम्हारे पास में। मैं तो क्रिश अंकल के पास जाकर ही रहूंगा और उनसे बोलूंगा कि मुझे भी क्रिश बना दो, मैं नहीं रुक रहा। बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऐसे नहीं मानेगा ये बच्चा, इसको बताता हूँ। ये ले, चल मेरे साथ में, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं, मुझे छोड़ो। अरे क्रिश अंकल मुझे बचाओ। अरे क्रिशर मुझे बचाओ। अरे कोई तुझे नहीं बचाएगा, ये ले आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे क्रिशर बचाओ, अरे क्रिश अंकल बचाओ। अरे यार ये तो मुझे आज जान से ही मार देगा। अरे दोस्त मेरी मदद करो। अरे ये किस बच्चे की आवाज आ रही है, जल्दी मुझे चल के देगा। अरे बाप रे, ये तो रेड हल्क है। हे बेटा क्या बात है? अरे अंकल, क्रिश अंकल देखिए, मैं तुम्हारे पास में आ रहा था तो इस रेड हल्क ने मुझे मारा और मेरी साइकिल भी छीन ली, और ये मेरी साइकिल मुझे वापस नहीं दे रहा है। अरे बेटा तुम रोना बंद करो, मैं देखता हूँ उस रेड हल्क को ये भला कैसे नहीं देगा तुम्हारी साइकिल। हे रेड हल्क, इस साइकिल को मुझे दे दे और तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं, अरे क्रिश, अरे बाप रे क्रिश, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझसे पंगा मत ले, समझ गया, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरा नाम रेड हल्क है। अरे होगा रेड हल्क अपने घर का, तो आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये ले, मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। मुझे नहीं जानता तू, मेरा नाम है क्रिश और मैं किसी भी बच्चे पर आफत नहीं देख सकता, किसी भी बच्चे को परेशानी में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। अरे वाह दोस्तों, मजा आ गया। थैंक यू क्रिश सर अंकल, थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा तुम तो दोनों एक साथ ही लगाते हो, अंकल भी बोलते हो क्रिश भी बोलते हो। काम करो, क्रिश पापा बोलता करो मुझे। अरे ठीक है क्रिश पापा, थैंक यू, तुमने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं है बेटा, वो तो मेरा फर्स्ट था। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए थे? अरे मैं कल आऊंगा, मैं तुम्हारे ही जैसा बनने आया था। हाँ ठीक है, कल आ जाना बेटा। अरे दोस्तों जल्दी से एक काम करता हूँ, मुझे अभी कहीं खास बिजनेस के लिए जाना है, मुझे अपना एक और सूट तैयार कराना है, तो जल्दी से मुझे चलना होगा वहाँ पर। हे बॉडीगार्ड मेरे भाई। बताइए बस, बताइए क्या बात है? ए यार सिगरेट जरा कम पिया करो, फेफड़े गल जाएंगे तुम्हारे भाई। अरे कोई बात नहीं है यार, वैसे भी हम तो गम के मारे वही। अच्छा अच्छा चल ठीक है, वैसे मैं कुछ सिगरेट काम से जा रहा हूँ बाहर, तो यहाँ मेरे घर का जरा ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बॉस, तुम चिंता मत करो, ये हमारा ही घर है, हम अपने घर का बहुत ज्यादा चिंता से ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है वाह, चलो तो खैर इस वाली कार को ले लेता हूँ दोस्तों, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे एक और सूट अपने इस तरह का ही बनवाना है, थोड़ा इससे अपग्रेडेड वर्जन। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, और आप चाहते हैं मैं सूट को बनवाऊँ तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जल्दी कर दो दोस्तों, फटाफट से कर दो, जिससे कि मैं सूट को तैयार करा सकूँ, उसमें मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। इस क्रिश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की और उसके बाद भी अपने घर में घुसकर बैठा है। हे क्रिश बाहर निकल, आज मैं तुझे से मार दूंगा। अरे ये कौन? अरे बाप रे, ये तो रेड हल्क आ गया। हे रेड हल्क यहाँ पर क्या? अरे ये क्या कर रहा मेरी कार के साथ तू? ये ले, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेइज्जती की, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्रिश आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज तुझे कोई भी बचा नहीं सकता मुझसे। क्या बात कर रहा है? अरे दोस्तों यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ में बहुत ही घड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। अरे बाप रे यार छोड़ दे मुझे, अरे यार छोड़ दे, मैं तेरा क्या बिगाड़ रहा हूँ यार, छोड़ दे ना प्लीज। ये ले अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तेरे इस बॉडी को भी। हे बॉडीगार्ड बचा ना मुझे। अरे सर मैं कैसे बचाएगा तुमको, मैं तो वैसे ही बहुत सादा सा इंसान हूँ। अरे यार कितना बड़ा, रे बाप रे, अरे यार मेरे कितनी जोर से लग रही है, मैं तो ये रोड हल्क छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये देख मैं तुझे उड़ूंगा लेकर, ये ले, और मैं तुझे इतनी दूर फेंक के मारूंगा कि तेरी डेड बॉडी का भी पता नहीं चलेगा। मजा ही आ गया, अब मैं इसे किडनैप करके अपने पास लेकर चलूंगा और इसे उसी अड्डे पर मारूंगा, इसको नहीं छोड़ने वाला, ये रहा वो। अरे भागो यार, ये तो मार ही डालेगा, तू कहीं भी भाग कर नहीं जा सकता क्रिश, आज मेरे चुंगल में तू फंस चुका है, ये ले। और मेरे चुंगल में फंस जाता है जो एक दफा, वो नहीं निकलता कभी भी, तो ये ले मैं तुझे खत्म कर दूंगा और आज तुझे कोई भी बचाने नहीं आ सकता। अरे दोस्तों अगर तुम चाहते हो मैं बच जाऊं, मैं जिंदा हो जाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं क्या अभी तक भी तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी। कोई तेरी मदद नहीं करेगा, हंस तो मजा ही आ जाएगा, इसकी डेड बॉडी को
एक और बहुत ही मोटा नोट कमाऊंगा, उसकी किटनी विटनी निकाल के बेच दूंगा। अरे पाप ले, जल्दी से क्लिश अंकल भैया के पास में चलता हूँ और जाके बोलता हूँ मुझे भी क्लिश बना दो। क्लिश अंकल भैया, क्लिश अंकल भैया। अरे पाप ले, यहाँ पर तो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पर चले गए, मुझे जल्दी से चल के देखना होगा। अरे यार, यहाँ तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे क्लिश अंकल भैया, कहाँ पर हो? अरे यार, यहाँ पर तो डोल भी लगा हुआ है, मुझे लगता है वो कहीं बाहर चले गए हैं, पर मुझे नहीं लगता वो इस तरह से कहीं बाहर जाएंगे, मुझे तो कुछ जरूर बड़ी दिक्कत लगती है। ओले पाप ले, मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी इसलिए मैं नहा लिया हूँ, मुझे तो काफ़ी बड़ी दिक्कत लग रही है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि क्लिश अंकल भैया के साथ क्या हुआ है तो जल्दी से कॉमेंट में लिख दो। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रेड हल्क तो नहीं आया था, अगर आपको लग रहा है कहाँ रेड हल्क आया था तो जल्दी से कॉमेंट में यस लिख दो, मैं ढूंढ कर रहूँगा। क्लिश अंकल भैया, क्लिश अंकल भैया, मैंने उन्हें पूरे शहर में ढूंढ लिया पर उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, पर मैं उनको ढूंढ कर ही रहूंगा। पाप रे, ये कौन है? अरे ये तो हमारे क्रिश अंकल भैया हैं। क्रिश पापा उठो ना। अरे बेटा, तुम्हारे क्रिश अंकल पापा अब नहीं उठ सकते, उनको एक मोटा सा रेड हल्क बहुत पटक पटक के मार के गया है। क्या बात कर रही हो आंटी, वो किधर गया है? अरे बेटा, अभी तो वो यहीं था, पता नहीं किधर की सरहद चला गया है यार, वो रहा सामने। क्या बात कर रही हो आंटी, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसने मेरे क्रिश पापा को मारा है, मैं उसे चांस से मार दूंगा, बस तुम देखते रहना, तुम मेरे क्रिश पापा का ख्याल रखना, मैं भी उसको 5 मिनट के अंदर अंदर मार के आता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है बेटा, जाओ। क्रिश, मैं जा रहा हूँ पापा, इसको छोड़ूंगा नहीं। हे रेड हल्क, मैं तुझे चांस से मार दूंगा। अब ये कौन पद्दी सा बच्चा आ गया उससे पहले? अरे बाप रे, ये तो वही है जो क्रिश ने बचाया था मुझसे, मैं तुझे छोड़ू? अरे बाप रे, कितनी जोर से फेंक के मारा। हाँ, मैं तुम्हें चांस से मार दूंगा मोटे रेड हल्क, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुमने मेरे क्रिश पापा को मारा है, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अरे अरे बाप रे यार, क्या है तेरे अंदर, इतनी पावर कहाँ से आई बच्चे? और वैसे भी तू मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकता, समझ गया, मेरे पास में बहुत ही खतरनाक पावर है। अब मैं अपनी पावरों को एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद तुझे अपना जलवा दिखाता हूँ, ये ले। अरे बाप रे दोस्तों, इसके पास में तो पावर आ गई, भागो जल्दी से यहाँ से। अरे मार दिया, ये तो मुझे मार कर ही छोड़ेगा, अगर आप चाहते हो मेरे पास में भी पावर आए, मुझे तो काफी डर लग रहा है इससे। जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं कहे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज कर दो ना। कोई तेरी मदद नहीं करेगा पद्दी से बच्चे, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे नहीं, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद कर दी, थैंक यू दोस्तों, और रेड हल्क मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है और मेरे पास में पावरें भी आ चुकी हैं। अरे यार, मेरे पास में इतनी खतरनाक पावर क्यों नहीं है जितनी खतरनाक तेरे पास में है? तू तो मुझे मार ही डालेगा। अरे वाह दोस्तों, मैंने उसको एक ही घूंसे में उड़ा दिया, देखते हैं वो कहां पर गया। अरे बाप रे, ये पड़ी उसकी डेड बॉडी। ओ मजा आ गया। अब जल्दी से एक काम करता हूँ दोस्तों, इसकी डेड बॉडी में से सारा सीरम निकाल लेता हूँ, उसके बाद में अपने रेड हल्क पापा, सॉरी क्रिश पापा की बॉडी में डालूंगा, जिससे कि वो जिंदा हो जाएंगे दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। अब जल्दी से चलते हैं इस रेड हल्क के पास में और इसकी बॉडी में से सारा सीरम निकाल लेता हूँ और उसके बाद में क्रिश पापा के पास में चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका मंत्र पढ़ के सीरम निकालता हूँ, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, इसका सारा सीरम मेरे जिस्म में डालतू। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका सारा सीरम ले लिया है, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं अपने क्रिश पापा के पास में और जाके उनको जिंदा करते हैं दोस्तों। तो वह मजा ही आ गया, आपको भी मजा आ रहा होगा जरूर, मैं उम्मीद करता हूँ। तो जल्दी से कॉमेंट में फ्रैंकलिन ओपी या आयरन मैन ओपी या क्रिश ओपी या बेबी ओपी कुछ भी लिख सकते हो, या ओपी ओपी भी लिख सकते हो दोस्तों। तो मैंने इसका सीरम सारा खींच लिया है, जितना भी इसके अंदर सीरम हुआ करता था। अब जल्दी से मैं अपने क्रिश पापा के पास में आ गया। अरे बेटा, तुम तो आ गए। हाँ मैं आ गया आंटी, तुम तो पहले से जवान हो चुकी हो। ये लो, मैंने क्रिश पापा के अंदर अपना सीरम ऐड कर दिया, मतलब रेड हल्क वाला, और वो जिंदा हो गए। अरे वाह बेटा, अरे बेटा तुमने मुझको जिंदा कर लिया, वे वाह भाई, तुम तो काफी, अरे बाप रे ये क्या कर रहे हो बेटा?
बेटा तुम। अरे अरे क्या कर रहे, बाप रे कितनी जोर से फेंक के मारो मुझे। अरे बेटा तुम्हारे अंदर इतनी खतरनाक पावर कहाँ से आई? अरे यार इन पावरों का यूज करके तो मैं तुम्हें क्रिश बना सकता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, तो जल्दी से मुझे क्रिश बना दो ना, मैं भी तो क्रिश बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा ये लो, मैंने तुम्हें क्रिश बना दिया है। अरे वाह दोस्तों, मजा ही आ गया, मुझे क्रिश पापा ने क्रिश बना दिया, थैंक यू क्रिश पापा। हाँ बेटा मैंने तुम्हें कुछ पावर भी दिए, जाओ तो तुम जाके देख सकते हो। अरे वाह दोस्तों, मेरे पास में क्रिश पापा ने मुझे पावर दिए, ये देखिए मैं कितना ही तगड़ा और पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ। ये देखो मैंने कार को कितनी दूर फेंक के मारा। चलिए मैं तुम्हें अपनी और पावर दिखा देता हूँ, मजा ही आता जा रहा है दोस्तों, जल्दी से चलते हैं। ये देखिए इस ट्रक को मैं किस तरह से उठाता हूँ। पर दोस्तों मैं तो अपग्रेड हो गया, पर मेरी आवाज अपग्रेड नहीं हुई। क्रिश अंकल से बोलूंगा जाके कि मेरी आवाज को तो बदलो, मेरी आवाज तो अभी भी बच्चों जैसी ही है। तो जल्दी से जाके बोलूंगा उनसे, ये देखिए दोस्तों मेरी पावर कितनी ही खतरनाक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो को तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। और ये जो आपके सामने वीडियोस आ रही हैं इनको भी देख लो।